अब ये सर्वदेव मेरा इस प्रकार खंडित क्यों हो गया? मुझे ज्ञात था इस कार्य में विघ्न तो आना ही, परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए हैं। पिता होकर पुत्र की पूजा करूं, ये कैसे संभव है? देखो देखो कैसी अनंत सेना है ये, जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस असुर सेना को तो मैं ही नष्ट करूंगा। आओ असुरो आओ। प्रतीत होता है श्री गणेश ने असुरों को अपने पांव तले कुचलने और हाथों से मसलने की तैयारी में। ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश जी? त्रिपुर किसी भी क्षण महादेव की सीध में आने वाला है और वो ऐसे बैठे हैं जैसे जैसे किसी भोज के लिए आए। आओ आओ असुरों आओ। सुन जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है देवराज और माता पार्वती विजय के पूर्व ही गजानन भोज कर रहे हैं। असुरी भोज। नारायण नारायण। ये निरी असंख्य असुरों की अजय सेना को इतनी सहजता से कैसे नष्ट कर सकता है? अब त्रिपुरासुर अपनी शेष सेना के साथ ऊपर से आक्रमण करेगी, उससे नहीं रोक पाओगे तुम। गजानन ने अपना पंच गणेश रूप किया है धारण। नारायण नारायण। विघ्न हरता प्रकट हुए पांच पांच रूपा, प्रतिरूप शुभ कारक प्रतिरूप अनूपा। त्रिपुरा की सेना का करने को संहारा, पंच रूप ने बनाया उनको आहारा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मेरे सैनिक समाप्त नहीं हो सकते, गणेश का पाचन नहीं कर सकता, उनका उधर फाड़ के बाहर आएगी मेरी ये सेना। बाहर आने दो हमें, निकालो हमें यहाँ से, अन्यथा चीर कर बाहर आ जाएंगे। महादेव का रथ रोकना है, अन्यथा हमें बाहर जाने दो। जिर्नम जिर्नम असुर सेना जिर्नम। असुर सेना हो गई हजम। देवराज इंद्र, अंततः पूजनीय गणेश ने असुर सेना को पचाकर रोक ही लिया। हाँ देव ऋषि, आप उचित कह रहे हैं। अब महादेव के हाथों त्रिपुर का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से ही हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा गणेश के कारण
उसके पिता महादेव के हाथों हम नष्ट हो जाएंगे। शक्ति क्यों क्षीण हो रही है? हम रथ को अपनी शक्ति क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर्वदेवोमय रथ खंडित हो गया। ये क्या? सर्वदेवोमय रथ से उसकी शक्ति भी बाहर निकल कर जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी रक्षा हो गई। कुछ ही क्षणों में सहस्त्र वर्षों के लिए हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये क्या अनर्थ हो रहा? महादेव का रथ खंड खंड क्यों हो रहा है? अब तो कुछ ही समय शेष है, किंतु कैसे पूर्ण होगा महादेव का कार्य? कैसे होगा त्रिपुर का अंत? अब मुझे ज्ञात था इस कार्य में विघ्न तो आना ही था। क्या कारण है इस विघ्न का? दिव्य सर्वदेवोमय रथ इस प्रकार खंडित क्यों हो गया? क्यों चतुरानन गणेश, नष्ट हो गया वो रथ जो हमारे विनाश के लिए निर्माण हुआ था? नष्ट हो गया वो बाण वो धनुष? अब तो समय भी आपके हाथों से फिसल कर आपको असफल बना रहा है। क्योंकि कुछ ही पलों में हमारे तीनों पुर सीधी रेखा में आकर पुनः अपनी पूर्व की स्थिति की ओर गतिमान होंगे और मिट जाएगी हम पर छाई मृत्यु की काली परछाई। फिर सर्वत्र होगा अधर्म का अवस्था। माता, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा होना ही था अर्थात? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हुआ जिसने मुझे भी चकित कर दिया? रथ का निर्माण तो स्वयं पुत्र गणेश ने करवाया था। हाँ प्रभु महादेव, वरदान के सभी नियमों को भली भांति पूर्ण किया था गणेश ने। फिर ये कैसा विघ्न है प्रभु जिसका रहस्य हम त्रिदेव की समझ से परे है? कदाचित रथ के निर्माण में मुझसे ही कोई भूल हुई हो। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी? कैसी भूल? हाँ स्वामी, जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। ये विघ्न उसी भूल का परिणाम है। महेश्वरी, आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ स्वामी, भली भांति ज्ञात है मुझे। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश की पूजा है
इस विघ्न को टालने का एकमात्र उपाय है, जिसके लिए अभी कुछ ही समय शेष। पिता हूं मैं उसका, पिता होकर पुत्र की पूजा करूं, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है गणेश, अब हमारा कोई भी अनिष्ट कदापि संभव नहीं है। विलंब मत कीजिए, अभी भी समय, अभी भी गणेश। देवी, तनिक विचार कीजिए अपने सुझाव पर। पिता द्वारा पुत्र पूजन मर्यादा के विरुद्ध है, और गणेश पुत्र है मेरा। आपका पुत्र होने के साथ वो देवताओं का ईश्वर, समस्त गणों का अधिपति भी तो है। स्मरण कीजिए स्वामी, ब्रह्मदेव के साथ स्वयं आपने घोषणा की किसी भी कार्य के पूर्ण होने के लिए सर्वप्रथम गणेश पूजन अनिवार्य है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है, और वो विजेता है गजानन। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। अपनी ही घोषणा को आप स्वयं कैसे भूल गए स्वामी? मैं अपनी घोषणा नहीं भूला हूँ माँ, किंतु अपने पुत्र की पूजा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। दिव्य प्रकाश कैसा? राताओ, ये कैसा दिव्य पंचमुखी रूप धारण कर लिया महादेव पुत्र ने? नमामि देवा नमामि देवा, जय गणराजा नमामि देवा, दया करो हे मंगल देवा। प्रभु, आपके कहे बिना ही मुझे महादेव की दुविधा याद है। देवी, देवाधि देव हैं आप, सृष्टि के प्रजापति हैं। यदि आप अपना संशय दूर नहीं करेंगे, अपने ही द्वारा स्थापित नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो सर्व जगत के लिए वो नियम कैसे मान्य होंगे? संसार से ये संशय दूर हो, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा का नियम आपके उदाहरण से स्थापित हो, जिसके बाद शुद्ध मन और भक्ति से किए जाने वाले किसी धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आए, और ऐसा कार्य कभी भी मध्य में न रुके। इसीलिए ये लीला रची है मैंने। रुक क्यों गए? अपने अंतिम अट्टहास का भरपूर आनंद ले लीजिए आप।
भिक्षु की मृत्यु के बाद अट्टहास का अवसर नहीं प्राप्त होगा आपको। संभव है, असंभव, हमारी मृत्यु असंभव है। ये भ्रांति है आपकी। स्मरण रहे, विघ्नों के पश्चात भी धर्म कार्य कभी रुक नहीं सकता। आपके पूर्व एक सीध में आए, उसके पूर्व पिताश्री पुनः अपना स्थान लेंगे और सर्वनाश करेंगे आपका। आज मैं आपकी लीला का रहस्य समझ गया प्रभु। जो अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते, वो स्वयं अपना ही अपमान करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए नियमों का पालन तो अनिवार्य है, उससे तो मैं भी अछूता नहीं। इसलिए मैं विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के लिए प्रस्तुत हूं। इस पूजा की सफलता के लिए आप पूजा की विधि में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एक साधारण हल्दी गणेश को मेरा प्रत्यक्ष रूप मानकर मेरी पूजा की जा सकती है, किंतु माता रहित गणेश का अस्तित्व अपूर्ण है। इसलिए माता को भी विधि पूर्वक मेरे स्वरूप के साथ स्थापित कर हल्दी गणेश रूपी मेरे स्वरूप को दुर्भा के साथ पान के पत्र पर स्थापित किया जाए, जिससे मुझे भव्य सिंहासन पर स्थित होने का आभास हो। फिर पंचामृत स्नान के साथ जनेऊ और मोली वस्त्र के रूप में धारण करवाकर गन्ने का रस, गाय का दुग्ध, पोहा, चिवड़ा, नारियल और गुड़ के भोग से मुझे प्रसन्न कर सरल विधि से मेरी पूजा हो। अवश्य प्रभु, किंतु शुभ कार्यों में आने वाले विघ्नों को नष्ट करने के लिए आपकी पूजा को अत्यधिक प्रभावी बनाने की विधि बताने की भी कृपा करें। मेरे सहस्त्र नामों का जाप मेरे महापूजन के समान है। अपने आप को अपने उन्हीं सहस्त्र नामों से परिचित करवाता हूं। जग उद्धारक, जग के कल्याण कारक, एक सहस्त्र नाम के विनायक हैं धारक। नाम स्वयं के सहस्त्र गजानन सुनाए, जय जय श्री गजानन, जय जय गणराय। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रभु, आज आपने अपने मुख से सहस्त्र नामों का उच्चारण कर हमारे साथ साथ समस्त संसार को भी धन्य कर दिया प्रभु। आज की ये पौर्णमी महागणपति तिथि अनंत काल तक संसार में स्थापित रहेगी और मैं इन्हीं सहस्त्र नामों का जाप कर गणेश की पूजा करूंगा। मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि इस प्रकार विधि पूर्वक मेरे सहस्त्र नामों का जाप कर जो कार्य प्रारंभ होगा वो अवश्य संपन्न होगा। फिर वो कार्य त्रिपुर का अंत ही क्यों ना हो। प्रणाम प्रभु। अंत संभव है हमारा, क्योंकि विघ्न आपका अभी भी शेष है, किंतु उसको दूर करने का उपाय सोचने का समय अभी शेष नहीं है। जो जब होना नियत है वो तो तभी होकर ही रहेगा, क्योंकि काल से पूर्व किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता और अपने निर्धारित काल से अधिक कोई जीवित भी नहीं रहता। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि इस कार्य में आए इस विघ्न का कारण क्या है और इतने अल्पकाल में इन असुरों के विनाश का क्या उपाय संभव है।
अब तो श्री गणेश भी लौट कर आ रहे हैं। कैसे होगा त्रिपुर का विनाश, कैसे होगी सृष्टि की रक्षा? ये बालक कोई नई युक्ति लेकर आया है, उससे पूर्व ही बचने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। सहायता करें गुरुवर। अभी भी एक उपाय शेष है। सत्य के मार्ग पर चलने वालों के मार्ग में अनेक चुनौतियां आती हैं, किंतु उसका सामना कर अडिग हो आगे बढ़ने वाला ही सच्चा योद्धा कहलाता है।